जाता है कि तेजस्वी यादव जब से ए टू जेड की बात कर रहे हैं एम उससे छटक गया, ऐसा हुआ है क्या? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, मुसलमान पूरे के पूरे साथ हैं। तेजस्वी यादव से और महागठबंधन सरकार से नाराज नहीं है। गोपालगंज वाले को भगाया गया, वरगलाया गया, जिसकी वजह से वो लोग बहकावे में आकर दूसरे को वोट कर दिए। वो कुछ है, वोट तो हमेशा गड़बड़ होता है, लेकिन ये कि अक्सरियत मुसलमान उनके साथ में, मुसलमान शुरू से उनका साथ दिया है और देंगे और आइंदा देते रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब से महागठबंधन में आए हैं तो मुसलमानों के लिए उन्होंने पहले भी काम किया है और अब भी काम कर रहा है, इसलिए मुसलमान उनका मुकम्मल तौर पे सपोर्ट करते हैं, महागठबंधन के साथ है। जो अच्छा करेगा मुसलमान उनके साथ रहेगा। तेजस्वी जी ने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया है, बहुत अच्छी बात है, इसलिए हम लोग साथ में हैं और रहेंगे। कोई बात नहीं है, हम लोग सबको साथ में थे हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप, मेरा नाम शशांक पांडे है। आज तेजस्वी यादव का जन्मदिन है, ऐसे में उनके कार्यालय में सभी लोग उनका जन्मदिन मनाने आए हैं। राजद के तमाम कार्यकर्ता उनका जन्मदिन मनाने राजद कार्यालय पहुंचे हैं और यहां पर उनका केक कटाया है और उसके बाद जन्मदिन मनाया गया है। लेकिन हम जिक्र करेंगे गोपालगंज से, शुरू करते हैं। गोपालगंज में अभी उपचुनाव हुआ है और वहाँ पर कहा यह जा रहा है कि MY समीकरण जो है वो इधर उधर हो गया, यहाँ सब लोग हमको M ही दिखाई दे रहे हैं। MY समीकरण से M जो है वो तेजस्वी यादव से नाराज हो गया है। लेकिन आज तो आप लोग जन्मदिन मनाने आए हैं उनका। नहीं हम MY वाले लोग तेजस्वी यादव से और महागठबंधन सरकार से नाराज नहीं है, लेकिन कुछ हालात की वजह से गोपालगंज वाले को बहकाया गया, वरगलाया गया, जिसकी वजह से वो लोग बहकावे में आकर दूसरे को वोट कर दिए। लेकिन हकीकत अगर पूछा जाए तो हम लोग पूरे मुकम्मल तौर पर महागठबंधन के साथ हैं, वजीर आला और नायब वजीर आला के साथ में, तेजस्वी यादव के साथ हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। MM इधर उधर डगमगा रहे हैं, जी जी जी, ओबीसी को वोट दे रहे हैं, क्या लगता है कि तेजस्वी का साथ छूट रहा है क्या? नहीं ऐसा नहीं लग रहा, सब लोग सहमत हैं, दे रहे हैं। गोपालगंज कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव मिस हो गया होगा, ऐसा हो सकता है, लोग समझ ना सके होंगे, वो अलग बात है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि वहाँ पर M अगर साथ खड़े रहते तो तेजस्वी का उम्मीदवार जो है वो निकल जाता, मुसलमान साथ में अगर रहते तो तेजस्वी का उम्मीदवार वहाँ से निकल जाता। मुकम्मल तौर पर साथ था, वो कुछ है, वोट तो हमेशा गड़बड़ होता है, लेकिन ये कि अक्सरियत मुसलमान उनके साथ में, और मुसलमान शुरू से उनका साथ दिया है और देंगे और आइंदा देते रहेंगे, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब से महागठबंधन में आए हैं तो मुसलमानों के लिए उन्होंने पहले भी काम किया है और अब भी काम कर रहा है, इसलिए मुसलमान उनका मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करते हैं। अच्छा, कहा यह जाता है कि तेजस्वी यादव जब से ए टू जेड की बात कर रहे हैं M उससे छटक गया, ऐसा हुआ है क्या? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, मुसलमान पूरे के पूरे साथ हैं, महागठबंधन के साथ है। जो अच्छा करेगा मुसलमान उनके साथ रहेगा। साथ है जी, मुसलमान साथ हैं तेजस्वी के? हाँ बिल्कुल साथ है, साथ है। भाई मुसलमान के लिए वो अच्छा कर रहे हैं तो हमेशा मुसलमान उनके साथ में रहेंगे। इससे पहले भी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी 2005 से लेकर 2015 तक बहुत ही अच्छा विकास किया है, उस विकास को देखते हुए जो है मुसलमान उनके साथ हैं और आगे भी। की मैं बात नहीं कर रहा, मैं तेजस्वी यादव की बात कर रहा हूं कि गोपालगंज में जिस तरीके से हार हुई है राजद के उम्मीदवार, कहा यह जाता है कि अगर मुसलमान साथ दे दिए होते तो राजद का उम्मीदवार निकल गया होता। नहीं मुसलमान साथ कैसे नहीं दिए, इससे पहले जब वोट हुआ था तो बहुत ज़्यादा वोट से आ रहे थे, अब मुसलमान उनके साथ में है तब तो जो है गालिबा 1700 या कुछ वोट से आ रहे हैं, 2200 है, उससे पहले बहुत ज़्यादा वोट से आ रहे थे, तो आज मुसलमान उनके साथ हैं तब जाके बहुत कम अंतर में जो है वो आ रहे हैं, और इंशाल्लाह अगले तारा जो है इसमें खड़े रहेंगे आप लोग साथ। हाँ बिल्कुल साथ, इसमें भी खड़े रहेंगे, बिल्कुल खड़े रहेंगे, सब लोग साथ हैं, सब लोग साथ हैं, सब लोग साथ हैं, सब लोग साथ है, खासकर काम के लिए साथ है। तेजस्वी जी ने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया है, बहुत अच्छी बात है, इसलिए हम लोग साथ में हैं और रहेंगे। हमारा मदरसा है 2459+1 में से 130 मदरसे के फाइल सचिवालय में है, हम चाहते हैं कि नायब वजीर आला इस पर पहल करे, उसका कैबिनेट करे, ये हमारी इल्तिजा है और इंशाल्लाह हम लोग साथ में हैं और रहेंगे। साथ में हैं आप सब लोग साथ। अच्छा, कहा यह जाता है कि जब से तेजस्वी यादव ए टू जेड की तरफ बढ़े हैं M उससे छटक गया है, M कह रहा है कि हम उसमें नहीं रहेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग सबको साथ में थे हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। सभी मुसलमान लालू यादव को आज भी नेता मानते हैं, तेजस्वी आज भी मानते हैं, तेजस्वी यादव को नेता मानते हैं, एकदम मानते हैं, एकदम मानते हैं, मानते ही रहेंगे।
इसमें कोई शक नहीं है। जो लोग ये कह रहे हैं कि अब मुसलमान जो है वो ओबीसी को वोट देंगे, वो लोग जो एगेंस्ट से बात है वो बोल सकते हैं, वो गलत बात है, अफवाह है, अफवाह ऐसी बात नहीं है। ओबीसी को वोट नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो जो है समझ रहे हैं मुसलमान कि एक तरह के वोट जो है बर्बाद हो रहा है। चलिए, तो ये आज तेजस्वी यादव का जन्मदिन जो है ये लोग मनाने आए थे उनके कार्यालय, प्रदेश कार्यालय, और केक भी काटा और खुश भी नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये नहीं बनता था, लेकिन फिर भी हमने इसलिए पूछा क्योंकि फिलहाल में ही गोपालगंज जो चुनाव है वो संपन्न हुआ है, और ये कहा जा रहा था कि मुसलमान जो है वो तेजस्वी यादव से नाराज हो गए। अगर मुसलमान तेजस्वी यादव से नाराज होते तो उनके कार्यालय पर उनका जन्मदिन मनाने नहीं आते, और इतनी ज़्यादा संख्या में भी नहीं आते। बहरहाल, इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहते इंडिया टॉप।